शब्द को लेकर जहां भाजपा और शिवसेना के बीच लगातार टकराव बढ़ता जा रहा है, जहां भाजपा ने पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की शव यात्रा निकाल का विरोध जताया था, तो उसी के जवाब में शिवसेना कार्यकर्ताओं ने भी उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का पुतला जलाया था। वहीं इसी बीच अब युवक कांग्रेस ने भी जमकर रोष व्यक्त करते हुए उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का पुतला फूका। मध्य नागपुर विधानसभा अध्यक्ष नयन तरवटकर के नेतृत्व में किए गए प्रदर्शन में कहा गया कि कांग्रेस एक निष्ठ थी और एक निष्ठ रहेगी। कुछ कलंकित लोगों की शिवसेना राष्ट्रवादी के बाद कांग्रेस पर नजर है, इसे लेकर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर आरोप करते हुए उनका निषेध कर देवड़िया कांग्रेस भवन के सामने पुतला जलाया गया। आंदोलन में प्रमुखता से महाराष्ट्र प्रभारी रोहित कुमार, सह प्रभारी श्रीनिवास नालमवार, नागपुर शहर अध्यक्ष तौसीफ खान, महाराष्ट्र सचिव सागर चौहान, मोइज शेख, फजलुल कुरैशी, अजिंक्य बोड़े, अमन लूटे, नीलेश खोरगड़े, सुशांत लोखंडे, भावेश तलमले आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। कैसे महाराष्ट्र नागपुर का कलंक आज है उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, इन्होंने कल बयान दिया कि कांग्रेस के आमदार भी हमारे संपर्क में है, तो नागपुर के कांग्रेस के आमदार हमारे संपर्क में है, ऐसी झूठी बातें कर जिसने पहले शिवसेना तोड़ी, राष्ट्रवादी तोड़ी और ये अभी कांग्रेस के पीछे लगे है, लेकिन कांग्रेस के सभी नेता एक लिस्ट है, एक लिस्ट रहेंगे और उनके बारे में गलत अपशब्द बोलने वाले देवेंद्र फडणवीस जिन्होंने जिनको अभी उद्धव ठाकरे ने कलंक बोला है, तो ये नागपुर के कलंक आज ये पुतला कांग्रेस भवन के सामने जला रहे हैं। कुछ दिन के बाद इनकी खाकी 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 चट्टी और टोपी भी संघ मुख्यालय के सामने। एनबीसी न्यूज के लिए राजकुमार मोड़ के साथ अक्सान सारी की रिपोर्ट।